भोजपुरी और उससे जुड़ी हुई अश्लीलता। पिछले एक दो महीने में आप अपने स्मार्टफोन पे सैकड़ों ऐसा वीडियो देख लिए होंगे जिसमें भोजपुरी में भरे अश्लीलता के खिलाफ अलग अलग चैनलों के द्वारा अलग अलग तरीके से मुहिम चलाया जा रहा है। सभी लोग भोजपुरी में भरे अश्लीलता के खिलाफ हैं, सभी लोगों का अपना अपना तरीका है। कुछ लोग भोजपुरी के गायकों को सीधे तौर पर अपने वीडियो में गाली दे रहे हैं, कुछ लोग भोजपुरी के गायकों के साथ साथ उनके माँ बहन को भी गाली दे रहे हैं, कुछ लोग भोजपुरी के अश्लील गानों के क्लिप को अपने वीडियो में दिखा के उसे रोस्ट कर रहे हैं। खैर, सभी लोगों का अपना अपना तरीका है, सभी लोगों को पसंद करने वाले लोग अपने अपने हैं, सभी लोगों को देखने वाले लोगों का एक अपना अपना समूह है। इस पर टिकट टिप्पणी नहीं करेंगे, हम भी इस मुहिम से जुड़े हुए हैं और हमारा जो तरीका है वो थोड़ा इन लोगों से अलग है। हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हर सप्ताह एक वीडियो लेके आएँ जिसमें भोजपुरी के कुछ अच्छे गाने को आप लोगों के बीच में लेके आएँ। आप लोगों से निवेदन करें कि इन अच्छे गाने को आप लोग सुनिए। साथ में हमारा ये प्रयास होता है, हमारा ये कोशिश होता है कि भोजपुरी में जो गाना गाने वाले लोग हैं, भोजपुरी के जो गायक हैं, भोजपुरी में गाना लिखने वाले लोग हैं यानी भोजपुरी के जो लेखक हैं, उन तक भी ये मैसेज पहुंचाने का कोशिश होता है कि आप लोग इसी तरह के अच्छे कंटेंट को बनाइए और इन्हीं अच्छे कंटेंट के बदौलत भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। देखिए, अच्छे गानों के प्रचार होने के बाद कहीं ना कहीं दर्शकों का मूड चेंज होगा, कहीं ना कहीं दर्शक अच्छे कंटेंट को पसंद करने लग जाएंगे। हमारा यही सोच है और इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 2-3 सप्ताह में हमने गुंजन सिंह, रितेश पांडे, राकेश मिश्रा जैसे गायकों की बात की है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पवन सिंह के बारे में। पवन सिंह के कुछ अच्छे गाने को लेकर हम इस वीडियो में आए हैं, वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज के इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल या Facebook पेज पे देख रहे होंगे। देखिए, भोजपुरी में भरे अश्लीलता का जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारे और आपके जैसे दर्शक और श्रोता भी हैं। अगर सीधे तौर पर सिर्फ जिम्मेदार गायकों को ठहराया जाए तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हालांकि सभी लोगों का अपना अपना निजी राय है, अपनी अपनी सहमति है। मेरा ये मानना है कि भोजपुरी में जो भी अश्लीलता फैली है उसमें गायकों के साथ साथ भोजपुरी गाना को सुनने वाले लोगों का भी दोष है। देखिए, एक बड़े आसानी से कह दिया जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नया गायक जब आता है तो उसे ट्रेंड फॉलो करने को कहा जाता है और वो उसे अश्लील गाने पर मजबूर किया जाता है। कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये लालच होता है, हर कोई के मन में होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें। और हमारे समाज का ये कड़वा सत्य है कि बुरे चीज़ जो है जल्दी वायरल होते हैं, गंदे चीज़ों को ज़्यादा लोग देखते हैं। शायद यही कारण है कि भोजपुरी में आने वाले नए गायक बहुत कम समय में पॉपुलर होने के चक्कर में भोजपुरी में अश्लील गाना गा देते हैं, अश्लील शब्दों से भरा हुआ गाना को गा देते हैं। अब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, अंकुश राजा जैसे बड़ा जो कलाकार हैं वो भी अगर अश्लील गाने को गाते हैं तो ये कहीं ना कहीं हजम होने वाली बात नहीं है। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव या इनके जैसे और बड़े जो गायक हैं उनका फैन फॉलोइंग इतना है कि वो कुछ भी गा देंगे, वो सुपरहिट होगा ही। उनके पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि उनको आगे बढ़ने के लिए भोजपुरी में गलत शब्दों का प्रयोग करना होगा, गलत गाने को गाना पड़ेगा। फिर भी इन जैसे बड़े कलाकार अगर भोजपुरी में अश्लील गानों को गाते हैं तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली विषय है, इनकी आलोचना होनी चाहिए, इनके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। मैं वापस मुद्दे पे आता हूँ। मेरा इन सभी बातों को कहने के पीछे मकसद मेरा एक ही था कि बड़े बड़े कलाकार जो हैं वो कहीं ना कहीं ये प्रयास करें कि भोजपुरी में गलत कंटेंट को ना फैलाएं। भोजपुरी के जो सुनने वाले लोग हैं उन्हें उनके बीच अच्छे अच्छे कंटेंट को परोस के उन्हें सही रास्ते में ले जाने का प्रयास किया जाए। पवन सिंह के कुछ अच्छे गाने को हम लेके आए हैं। शुरुआत करेंगे जो अभी वर्ल्ड में नंबर 1 पर ट्रेंडिंग कर रहा है वो गाना से, आप सभी ने सुना होगा, नाम है पुदीना ए हसीना। ये गाना अभी खूब जो है सभी लोग गुनगुना रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर गाना है, वर्ल्ड 100 मिलियन क्रॉस कर चुका है। इस गाने पे रील्स बनने का भी एक रिकॉर्ड बना है, दुनिया में सबसे ज़्यादा रील्स जो है इसी गाने पे बना है। जब ऐसे ऐसे गाने हिट हो जा रहे हैं, ऐसे ऐसे गानों को लोग देख रहे हैं, ऐसे ऐसे गाने को लोग पसंद कर रहे हैं, फिर पवन सिंह जैसे कलाकारों को गंदे और अश्लील गाना गाने की ज़रूरत क्या पड़ जाती है, ये सोचने वाली बात है। दूसरा गाना जो है हमारा जिंदगी में आके, टाइटल का नाम है, ये गाना भी बहुत बेहतरीन गाना है, अश्लीलता से कोसों दूर है, सुनने में अच्छा लगेगा, आप लोग एक बार जाके सुनिए।
अगला जो उनका गाना है, अच्छा पवन सिंह के बारे में मैं बता दूं कि पवन सिंह एकलौते ऐसे सिंगर हैं जो भोजपुरी के गानों में हिंदी गानों वाली टेस्ट लेके आने का श्रेय इनको जाता है। इनका एक गाना है कमरिया, इसको भी आप लोग जाके सुन सकते हैं, 70 मिलियन क्रॉस हो चुका है ये गाना। इसमें भी अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। ओढ़नी के कोर नामक एक गाना है, इसे भी जाके आप लोग सुन सकते हैं। एक होली में इनका एक सॉन्ग आया था, बड़ा ही पॉपुलर सॉन्ग था, बबुनी तेरे रंग में। तो इस तरह के तमाम पवन सिंह के अच्छे गाने जो हैं इंटरनेट पे मौजूद हैं, उसे जाके आप लोग सुन सकते हैं, अच्छे गाने को आप प्रमोट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन गानों को आप लोगों ने नहीं सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर गाना है, आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन फिर भी इतने अच्छे अच्छे गाने लाने के बावजूद पवन सिंह जैसे गायकों को भोजपुरी में अश्लील गाना गाने की नौबत कहाँ से आ जाती है, क्या मजबूरी है, ये तो सोचने वाली विषय है। हालांकि मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि पिछले 1-2 महीने में पवन सिंह के द्वारा कोई भी अश्लील गाना नहीं गाया गया है। उनके द्वारा भी ये कोशिश किया जा रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी कलाकार हैं, जितने भी लेखक हैं, उन सब को जो है अच्छे गाने की ओर लेके जाएं, अच्छे कंटेंट की ओर लेके जाएं। भोजपुरी के श्रोता जो हैं, भोजपुरी देखने वाले जो लोग हैं, उनका भी टेस्ट कहीं ना कहीं चेंज करने का प्रयास इनके जैसे गायकों के द्वारा किया जा रहा है। ये काफ़ी सराहनीय प्रयास है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहें प्रयास न्यूज के साथ। हमारा ये मुहिम जो है आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें, साथ में चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।